डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये बात कही थी अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जो यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ इनका जीवन। आपके सामने एक और तस्वीर है वैशाली की, हमारे भारतवर्ष का ये वैशाली, जहां सबसे पहला रिपब्लिक हमने दिया। बात हम रिपब्लिक की और बात हम डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन। हेलो, वेलकम टू जेन स्टडी। आज की हमारी प्रिलिम्स अप्रोच की सीरीज इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुकी है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से हम डील कर रहे हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, और चूंकि चुनावी वर्ष है ये, तो ये और भी फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो आज हम इलेक्शन कमीशन से डील करेंगे। क्या है इलेक्शन कमीशन, क्यों इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ती है? 90 करोड़ की वोटर्स वाली आबादी का हमारा देश, जहां हमें वोटिंग्स की ज़रूरत है, चूंकि हम डेमोक्रेसी हैं, हमें वोट करना है, हमें इलेक्ट करना है अपने नेताओं को, अपने लीडर्स को, तो हमें उस लीडरशिप के लिए एक चुनाव प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रोसीजर के लिए जो हमने एक बॉडी बनाई, वो बॉडी हमारी इलेक्शन कमीशन कहलाई। 25 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, हमारे भारत के रिपब्लिक बनने से एक दिन पहले हमने इलेक्शन कमीशन का गठन किया। इलेक्शन कमीशन किस चीज़ों से डील करती है? इलेक्शन कमीशन हमारे देश में चुनाव करवाती है, जिसमें वो हमारे लिए राज्यसभा, हमारे लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट, लोकसभा के चुनाव करवाती है। हमारे इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है, वो हमें प्रेसिडेंट देना होता है, हमारे लोकसभा के मेंबर्स देना होता है, हमारे राज्यसभा के मेंबर्स देना होता है, स्टेट असेंबली और हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तक का जो चुनाव होता है, वो हमारे इलेक्शन कमीशन करवाती है। आप देख सकते हैं ये एक प्रोसेस है, ये भारत की बड़ी आबादी और ये हमारा लोकसभा और ये हमारे वोटर आईडी कार्ड्स। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारे इलेक्शन का, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही आसान होता है। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 से जब हम डील करते हैं, तो आर्टिकल 324 हमारे इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन हमारी एक ऑल इंडिया बॉडी है, जो कॉमन टू बोथ स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट को डील करती है। हमारे स्टेट में चुनाव हो, यानी हम अपने विधानसभा के सदस्यों को चुने, या फिर हमारे सेंटर के चुनाव हों, जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, सभी के चुनाव हमारी ऑल इंडिया बॉडी इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। सेंट्रल लेवल इलेक्शन में हमारे इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को डील करते हैं। और जब हमारी बात आती है पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन की, तो इसके लिए हमारी एक सेपरेट बॉडी होती है, जिसे हम स्टेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो स्टेट के चुनाव करवाती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे पंचायती और जो हमारे म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन होते हैं, जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया था गांधी जी का, उस चीज पे ये काम करती है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन उन चीजों से डील करता है। और इसकी गवर्निंग बॉडी जो होती है, ये गवर्नर होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन के बारे में, हमारी इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं, कैसे इसकी चयन प्रक्रिया होती है, क्या अपॉइंटमेंट होता है, क्या टेन्योर होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्वालिफिकेशन है, सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके कंपोजिशन पे, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो हमारे इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और उसके साथ साथ दो इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। आप देख सकते हैं देर इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देर अदर मेंबर्स कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जो हमारी बॉडी है वो 2+1 की बॉडी है, और ये कहां से, कौन डिसाइड करता है इसे, तो इसे हमें हमारी प्रेसिडेंट डिसाइड करती हैं। एज ऑफ 2018 देर आर 3 मेंबर्स, 1 इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 आर इलेक्शन कमिश्नर्स। इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके अपॉइंटमेंट का रोल अदा करती हैं। ये हमारे राजीव कुमार, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी। अब हम बात करते हैं कि क्या हमेशा से ऐसा था, कि ये 3 मेंबर बॉडी थी? नहीं। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करते थे, और चूंकि वो एक ही मेंबर थे, तो हम उन्हें चीफ इलेक्शन मेंबर नहीं कहते थे। उस वक्त एक मेंबर कहलाता था। जब उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है,
जिसमें हमारी वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया जाता है। हमारी वोटिंग एज जो थी पहले वो 21 थी, लेकिन जब राजीव गांधी गवर्नमेंट आती है और 1989 का दौर होता है, उस वक्त इस वोटिंग एज को 18 ईयर्स कर दिया जाता है। उस वक्त हमारी वोटिंग एज 18 हो जाती है। इस अमेंडमेंट के बाद जो हमारे वोटर्स के शेयर है, जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, जो पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स हैं, वो बढ़ जाता है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन का काम भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया जाता है और उसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्शन मेंबर्स थे 1, उसको बढ़ाकर उसमें 2 मेंबर्स और ऐड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन क्या है हमारी। 1951 25 जनवरी को जब इलेक्शन कमीशन की गठन होती है तो उसमें 1 मेंबर होते हैं, बाद में हमारे इंक्रीज करके 2 मोर मेंबर ऐड कर दिया जाता है तो टोटल हमारे 3 मेंबर्स हो जाते हैं। लेकिन फिर से 1990 में इस 2 पोस्ट को जो ऐड किया गया था इसको एबोलिश कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन बाद में अक्टूबर 1993 से टिल डेट हमारे पास 2 मोर मेंबर्स को ऐड करके ये 3 मेंबर कमेटी बना दी जाती है। अब देखते हैं एक केस बहुत ही फेमस, जो अनूप बर्नवाल केस की बात हम करते हैं। अनूप बर्नवाल केस में क्या है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे या हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा इनके अपॉइंटमेंट का, इसको लेके हमारा एक अनूप बर्नवाल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चलता है। इस केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आते हैं, टेम्प्रोरी अरेंजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट अंटिल पार्लियामेंट पासिस लॉ, चूंकि इसके पीछे कोई बेसिक लॉ नहीं था, इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट कहती है सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट बी डन बाय अ 3 मेंबर कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ, बहुत मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन मेंबर होंगे। तो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये हमारी डेमोक्रेसी का फायदा है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रख रहे हैं किसी मेंबर में, ऐसा नहीं कि डोमिनेटिंग पार्टी सिर्फ रूल कर रही है। तीसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग हमारे, हमारी जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, जुडिशरी ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्प्रोरी फैसला दिया। बात जब आगे बढ़ती है तब बात आती है हमारे बहुत ही रिसेंट टॉपिक की। एक बिल पास होता है अगस्त 2023 में यूपीएससी, ये सवाल बहुत बहुत हाई चांसेस है कि यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकती है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 की बात होती है। इस बिल में क्या बात होती है, ये बिल हमारे राज्यसभा में पेश किया जाता है 10th of August 2023 में और ये मानसून सेशन में पेश किया जाता है। ये बिल हमारे इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 को रिपील करता है, पुराने बिल को रिपील करता है। ये आप याद रखिए, ये अभी तक बिल है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस बिल में क्या मेंशन किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी की बात होती है, एक सिलेक्शन कमेटी की बात होती है इस बिल में। और उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर रहेंगे, जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया था, टेम्प्रोरी वर्डिक्ट दिया था, उसके बाद ये बिल आता है तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन रहेंगे ही, जैसा हमारे पहले से भी मेंशन था, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी यहां पे जगह दी गई है, लेकिन एक चेंज आता है जहां पे जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट था उसको हटा के आप देख सकते हैं यहां पे काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर की बात होती है। मतलब यहां पे 2 ऐसे मेंबर्स हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर, प्लस हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होती है, जुडिशरी को यहां से हटा दिया जाता है। ऐसे तो ये बिल अभी बिल है, तो इसके बारे में बातें चर्चा होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, हम अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। बहुत ही बड़ी बात है यहां पे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं बताया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहां पे कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात ही नहीं हुई है। क्यों नहीं बताता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्वालिफिकेशन के बारे में? तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया नहीं गया है। तो आपको यही रखना है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आपको बड़े पद पे जाना है, आज आप यूपीएससी क्वालिफाई करके कल जब आप बड़े पोस्ट पे जाते हो तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इनके टेन्योर की बात होती है, क्या होता है टेन्योर, टेन्योर एंड अदर कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाता है 6 ईयर्स या 65 ईयर, यही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टेन्योर होती है। और बहुत कम ऐसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरे हैं जिन्होंने अपना ये पूरा टेन्योर पूरा किया है। और एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट देखने की बात है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आज हमने किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया और इलेक्शन में उन्होंने अपना कुछ स्ट्रिक्ट रोल लिया तो कल को हम उसको हटा देंगे, नहीं, ये प्रोसेस से इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है तो हम अभी आगे देखते हैं।
अगर ये खुद रिजाइन करना चाहें, जैसे आप देख सकते हैं हमारे अनुप गोयल साहब हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है, तो ये अगर खुद रिजाइन करना चाहें तो ये प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको रिमूव करने की बात आती है तो इनके रिमूवल का प्रोसेस बहुत जटिल है। रिमूवल का प्रोसेस क्या है? तो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड इन द सेम मैनर लाइक दैट ऑफ अ जज। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज होते हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है, और जो प्रोसेस बहुत आसान नहीं होता है, बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, उस प्रोसेस से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने बात की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की, तो ये चीज यहां पे पता चलती है कि एक स्पेशल मेजॉरिटी से हम इसको हटा सकते हैं, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। रिमूवल ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, जब हम अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं उनका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, तो वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे हम अपने इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा सकते हैं। बट द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर को रिमूवल की बात होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी एक इंपॉर्टेंट रोल किसी भी सर्विस में। जो सैलरी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे अदर मेंबर्स को मिलती है वो इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग मिलती है। पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अ सैलरी विच इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिमूवल के लिए भी हमने जज की बात की, और हमने बात जब सैलरी की तो भी हमारे जज की इक्विवेलेंट सैलरी यहां पे मिलती है, इक्वल सैलरी, दैट इज ऑफ 2.5 लाख। और ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारे पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या एडवांटेज मिलने हैं, क्या पर्क्स मिलने हैं, ये सारी चीजें पार्लियामेंट से हमारे डिसाइड होती है। आगे चलते हैं, हम अब पावर एंड फंक्शंस की बात करते हैं। हमें चुनाव करवाने हैं, चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन अदर मेंबर्स सब मिलकर हमें अपने देश में चुनाव करवाने हैं, लोकसभा के चुनाव करवाने हैं, विधानसभा के चुनाव करवाने हैं, पंचायत के चुनाव करवाने हैं। चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव में कौन कौन सी चीजें होंगी, चुनाव में वोटर्स होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी होगी, तो ये सारी चीज़ों को डील करते हुए एक पेरिफेरी बनाती है, एक यूनिवर्स बनता है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो हमारे इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन का काम करती है, वोटर आईडी बनाने का काम करती है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स का काम करती है, उनको कौन से चुनाव चिन्ह देने हैं उसका काम करती है, कौन सी पार्टी को अफिलिएट करना है, कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है बताना है, ये सभी चीज़ों का काम हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, हम पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं। हमारा पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मान के चलता हूं, टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमें वोट करना है तो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें वोट करना है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक मेंबर खड़े होते हैं उनको हमें वोट करना होता है। तो हमारे डिलिमिटेशन का जो काम होता है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। दूसरी चीज, आप वोट देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होती है, इलेक्टोरल रूल्स बनता है हमारा, ये आप देख सकते हैं इलेक्टोरल रूल्स बनता है, ये डिलिमिटेशन होता है एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में हमें वोट करना है, उसके बाद हमारे वोटर आईडी कार्ड्स बनते हैं, ये सभी काम हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। 90 करोड़ की वोटर्स वाली आबादी वाले देश में इस काम को करना इतना आसान नहीं, लेकिन इसको आसान करने का काम हमारे इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी करती है। आगे चलते हैं, हम ये स्क्रूटनाइज करती है हमारे नॉमिनेशन पेपर्स को, जिनके नॉमिनेशन को अपॉइंट अप्रूव करना है या नहीं करना है, सारे बेसिस पे, सारे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और सारे मेंबर्स के जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करने का काम करती है। रिकग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी को हमें अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, इसका भी काम हमारी इलेक्शन कमीशन की बॉडी करती है। दूसरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप देख सकते हैं यहाँ पे, शिवसेना। कौन है असली शिवसेना, शिंदे की शिवसेना या ठाकरे की शिवसेना, इसका भी फैसला हमारी इलेक्शन कमीशन ही करती है। तो आप देख सकते हैं, डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द ग्रांटिंग ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू द पार्टीज, ये सभी काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सिंबल भी देती है, और इलेक्शन कमीशन, अभी आप देख सकते हैं चुनाव का वक्त है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत न्यूज में चल रहा है, आपने सुना होगा, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही निकाला जाता है, जिसे हम आचार संहिता भी कहते हैं। रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कितने स्टेट में आप जीतते हैं तो नेशनल पार्टी बनती है, कितने परसेंट वोट शेयर होता है, ये सब का फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी हुई हमारे इलेक्शन कमीशन ये सारे काम को देखती है। तो ये टॉपिक, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मैंने बहुत इंटरेस्टिंग के साथ बताया,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो यूपीएससी 2017 में आया हुआ था। हम डील करते हैं इस क्वेश्चन से और आप खुद जज करेंगे कि ये टॉपिक आपको कितना इंटरेस्टिंग बन गया और आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी। हमारे पहले स्लाइड में ही हमने बात की कि ये कितने मेंबर की बॉडी है, ये मैं अब आप पे छोड़ता हूं, आप खुद ही जज करें कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरी बात, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। क्या होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कहां पे इलेक्शन होंगे जनरल इलेक्शन और कहां पे बाई इलेक्शन होंगे, ये हम देखते हैं। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग स्प्लिट्स रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अभी मैंने आपको शिवसेना का एग्जांपल दिया, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी का भी एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं कि इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, ऑब्वियसली बात इलेक्शन कमीशन सॉल्व करता है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, पहला जो 5-member बॉडी है दिस इज अ वेरी रॉन्ग, दिस इज अ 3-member बॉडी। दूसरी बात हम करते हैं होम अफेयर्स, कोई लेना देना ही नहीं है होम अफेयर्स का, इलेक्शन कमीशन इज द मेन बॉडी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा, रिजॉल्व करवाती है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन कमीशन ही रिजॉल्व करवाती है, तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर ओनली 3 हो जाएगा। तो इस टॉपिक को इतना आसान बना दिया मैंने कि आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, यूपीएससी का क्वेश्चन आपने यूं चुटकियों में सॉल्व किया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में लेके आता रहूंगा आपके लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बूस्ट करें हमारे चैनल को, और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें यूपीएससी के ऐसे टॉपिक्स के लिए। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू।